नमस्कार, मैं मोहित शर्मा आपका स्वागत करता हूं जीएस वर्ल्ड में। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने कवरत्ती लक्षद्वीप में कोची लक्षद्वीप समूह पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन परियोजना का उद्घाटन किया। यह मुख्य भूमि कोची से 11 लक्षद्वीप द्वीपों अर्थात कावरत्ती, अगत्ती, अमिनी, कदमत, चेटलेट, कल्पेनी, मिनिकॉय, एंड्रोथ, किल्टॉन, बंगाराम और बित्रा तक पनडुब्बी केबल कनेक्टिविटी परियोजना है। यह परियोजना यूनिवर्सल सर्विसेज ऑब्लिगेशन फंड यानी USOF दूरसंचार विभाग द्वारा वित्त पोषित है। भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL परियोजना निष्पादन एजेंसी थी और यह काम ग्लोबल ओपन टेंडरिंग प्रक्रिया के माध्यम से मेजर्स NEC कॉरपोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को सौंपा गया था। परियोजना से संबंधित प्रमुख गतिविधियों में समुद्री मार्ग सर्वेक्षण, पनडुब्बी केबल बिछाना, CLS स्टेशनों का सिविल निर्माण, अंतिम टर्मिनलों यानी SLTE की स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग शामिल है। अब जान लेते हैं कि पनडुब्बी संचार केबल क्या होता है। यह महासागर और सागर के हिस्से में दूर संचार संकेतों को प्रसारित करने के लिए भूमि आधारित स्टेशनों के बीच समुद्र तल पर बिछाई गई केबल है। आधुनिक पनडुब्बी केबल फाइबर ऑप्टिक तकनीक का उपयोग करती है। ऑप्टिकल फाइबर तत्व आमतौर पर जहां केबल बिछाई जानी है वहां पर प्लास्टिक की परतों के साथ लेपित होते हैं और पर्यावरण की दृष्टि से उपयुक्त सुरक्षात्मक ट्यूब में निहित होते हैं। उपग्रहों की तुलना में पनडुब्बी केबल्स के माध्यम से इंटरनेट कनेक्शन का उपयोग करना अधिक विश्वसनीय, लागत प्रभावी और अधिक क्षमता वाला है। परियोजना का महत्व की अगर हम बात करें तो इस परियोजना से इंटरनेट स्पीड में वृद्धि होगी जिससे कई संभावनाएं और अवसर खुलेंगे। आज़ादी के बाद पहली बार लक्षद्वीप को सबमरीन ऑप्टिक फाइबर केबल से जोड़ा जाएगा। समर्पित पनडुब्बी OFC लक्षद्वीप द्वीपों में संचार बुनियादी ढांचे में एक आदर्श बदलाव सुनिश्चित करेगा जिससे तेज और अधिक विश्वसनीय इंटरनेट सेवाएं, टेलीमेडिसिन, ई गवर्नेंस, शैक्षिक पहल, डिजिटल बैंकिंग, डिजिटल मुद्रा उपयोग, डिजिटल साक्षरता आदि सक्षम होंगी।